हे हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग है ना, हमारे बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिटी में देखना है, एक पोस्ट में मैंने डाला है, वहाँ पर मैंने आपको शेड्यूल दे दिया जिस हिसाब से लेक्चर्स आएंगे। तो आज के शेड्यूल लेक्चर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, क्या मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है ना, लाइक कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। सो ये वो बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ काम आती है, ये सारी चीज़ें। सो बायोकेमिस्ट्री में लाइक अगर आप हार्पर देखोगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी मतलब डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द केमिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, साइंस ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। देखो हम लोग जब फर्स्ट ईयर के बेसिकली सब्जेक्ट्स देखते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री। देखो एनाटमी के अंदर हम लोग बॉडी में स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ ये स्ट्रक्चर है, ये नर्व है, ये मसल है, ये बोन्स हैं, हम लोग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं। समझ गए मेरी बात को, कि कैसे सिस्टम्स इंटीग्रेट करके कोई चीज़ कर रहे हैं। तो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। अब जो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो हमारी होती है उसका जब हम केमिकल एस्पेक्ट में घुस जाते हैं वो बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। सो इट इज़ साइंस ऑफ द केमिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, है ना। बॉडी में जो रिएक्शंस चल रही होती हैं, हम जानते हैं कि हमें एनर्जी मिल रही है, एटीपी आ रही है। अब एटीपी कैसे आ रही है, कैसे बन रही है, क्या रिएक्शंस चल रही हैं, क्रैब साइकिल वगैरह, ये फलाना साइकिल, धमकाना साइकिल, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टडी ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग सेल। हम लोग यहाँ पे केमिकल्स की बात करेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे, एंजाइम्स की बात करेंगे, एंड ऑफ द रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस दे अंडरगो। बाय दिस डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री एनकम्पसेस लार्ज एरियाज ऑफ सेल बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ बायोकेमिस्ट्री? सो एम ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन मॉलिक्यूलर टर्म्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसेस हो रही हैं उसका केमिकल एस्पेक्ट हम पढ़ें और मॉलिक्यूलर टर्म्स में उसको हम डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। दिस इज बायोकेमिस्ट्री का एम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू आइसोलेट द न्यूमरस मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द सेल, डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर्स एंड एनालाइज हाउ दे फंक्शन। हम लोग सेल्स में से मॉलिक्यूल्स को, न्यूमरस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालें, हम उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें। भाई कार्बोहाइड्रेट होता है, कैसी स्ट्रक्चर है, कैसे बना है कार्बोहाइड्रेट और कैसे ये फंक्शन करता है, स्ट्रक्चर रिलेटेड केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, नाउ नाउ अ नॉलेज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इज असेंशियल टू मेडिकल साइंस, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज मेडिकल में, एमबीबीएस में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो द बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइज एट द हर्ट ऑफ जेनेटिक्स। मतलब हमें अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ना है तो हमें वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, डीएनए, आरएनए इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स आएंगे। तो न्यूक्लिक एसिड समझने के लिए हमें जेनेटिक्स पढ़नी पड़ती है जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन टर्न द यूज ऑफ जेनेटिक अप्रोचेज हैज़ बिन क्रिटिकल फॉर इल्यूसिडेटिंग मैनी एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नाउ सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बायोकेमिस्ट्री से एकदम रिलेटेड है कि एक सेल है उसके अंदर क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, कैसे केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, कैसे एंजाइम कॉज करता है एक रिएक्शन को, एंजाइम को हटा दो तो क्या हो जाता है। मतलब कई बार जो मतलब जो डिजीज होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मेलिटी इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चल रही है वो प्रॉपरली नहीं हो, एंजाइम अच्छे से काम नहीं करे, तो उसकी वजह से उसका एक रिजल्ट बनेगा, इसका एक प्रोडक्ट बनेगा कि हम बीमार पड़ गए। फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस
ओवरलैप विद द बायोकेमिस्ट्री, हैंड इन हैंड चलता है फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे बायोकेमिकल टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, फार्मेकोलॉजी, फार्मेसी, पॉइजन्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, भाई पॉइजन है कुछ अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शंस पे और प्रोसेसेस पे एक्ट करेगा, कुछ एंजाइम्स पे एक्ट करेगा, ये सब हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, फॉरेंसिक मेडिकल मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री इंडल्ज हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है. नाउ बायोकेमिकल अप्रोचेज आर बींग यूज इंक्रीजिंगली टू स्टडी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द पैथोलॉजी. पैथोलॉजी पढ़ने में जैसे इन्फ्लामेशन, सेल इंजरी, कैंसर, हर जगह केमिकल्स हैं, हर जगह जहाँ केमिकल वहाँ बायोकेमिस्ट्री, जहाँ केमिकल वहाँ बायोकेमिस्ट्री. मैनी वर्कर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जुअलॉजी, बॉटनी, हर जगह पे मतलब दे एक्सक्लूसिवली यूज बायोकेमिस्ट्री. नाउ दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज लाइफ एज वी नो इट डिपेंड्स ऑन द बायोकेमिकल रिएक्शन. लाइफ बायोकेमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है. अब लाइफ साइंस के पुराने जो बैरियर्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, दे आर बींग ब्रेकिंग डाउन और अभी इंक्रीजिंगली बायोकेमिस्ट्री कॉमन लैंग्वेज बन रही है, ठीक है. नाउ वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन. देखिए आपको एक चीज़ पता है कि हेल्थ जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द हार्मोनियस बैलेंस ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन. अगर बॉडी में सारी बायोकेमिकल रिएक्शन एक हार्मोनियस वे में अच्छे से आराम से कंफर्टेबली चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, देर इज़ नो प्रॉब्लम, आराम से सारी चीज़ें हो रही हैं. डिजीज़ कब होती है, हम बोलते हैं भाई हम बीमार पड़ गए, डिजीज़ हो गई, तो डिजीज़ कब होती है, लाइक डिजीज रिफ्लेक्ट सम एबनॉर्मेलिटीज इन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में एबनॉर्मेलिटीज जब हो जाती हैं, रिएक्शंस में एबनॉर्मेलिटीज जब हो जाती हैं, तब हम बोलते हैं भाई ये एक डिजीज कंडीशन जनरेट हो गई है, ठीक है. बायोकेमिकल स्टडीज कॉन्ट्रीब्यूट टू डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. नाउ वॉट इज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ एन इलनेस और पर्सन, प्रॉब्लम ऑफ एग्जामिनेशन और अदर प्रॉब्लम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स. मतलब आप स्टार्टिंग में जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे साइन सिम्टम्स पूछता है, फिर उनको मिला के एक जो इलनेस है, आप जो बीमार हो उसका एक नेचर बताता है आपको, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एन इलनेस. ओके, वॉट इज प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस होता है कि आगे की चीज बता देना, लाइक कि इसमें ये हो सकता है, आपको ये होगा इन फ्यूचर, ये प्रॉब्लम आएगी, सो इट इज द लाइकली कोर्स ऑफ अ मेडिकल कंडीशन. बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है. बायोकेमिकल रिसर्च हैज़ इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसके बारे में आगे और लिखा हुआ आएगा. मैनी बायोकेमिकल स्टडीज इल्यूमिनेट डिजीज मैकेनिज्म एंड अप्रोप्रिएट थेरेपीज. जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हर एक चीज़ तो यार बायोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करती है, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है इन सब जगह पे. साउंड नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री होना ज़रूरी है हमें मेडिसिन पढ़ने के लिए. नाउ अब आप देखो ना बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन कैसे इन्वॉल्व है. अगर न्यूक्लिक एसिड में थोड़ा सा झोल हुआ जेनेटिक डिजीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉल्टी हीमोग्लोबिन प्रोटीन. ये क्या होता है, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, बिकॉज ऑफ द फॉल्टी हीमोग्लोबिन प्रोटीन, दिस इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है. तो प्रोटीन में थोड़ा सा झोल होते यहाँ पे फॉल्टी हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा. नाउ लिपिड जब डिपॉजिट होने लगते हैं, फैट वगैरह डिपॉजिट होने लगते हैं आर्टरी की वॉल्स में, तो उसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स, डायबिटीज मेलाइटस, जब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, फिर वो यूरिन के थ्रू पास करने लगता है. तो ये एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जो चीज़ें हैं ये हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में. इनके बारे में सारी डिटेल्स क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, हाँ कि ना. तो इनका देखो डायरेक्ट इफेक्ट आपको मेडिसिन में देखने को मिल रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो इनकी वजह से हो रही हैं. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू वे स्ट्रीट कनेक्टिंग बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन. ओके, नाउ वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. देखिए तो बायोकेमिस्ट
केमिकल जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेबोरेटरी में, स्टडीज़ करते हैं, इसकी वजह से डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल स्टडीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस, इसके बिना कुछ नहीं होना है ना। मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के अंदर बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट बहुत ही खतरनाक रोल प्ले करते हैं। नाउ दीज ऑल थिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम हार्पर, सो वी आर करंटली रीडिंग फ्रॉम अ बुक विच इज कॉल्ड ब्लू प्रिंट, विच इज एन अमेजिंग बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल एग्जाम इन बांग्लादेश। सो इस बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक से बहुत सारी चीज़ें ला कर के एक जगह पर रख दी हैं, मतलब आसान होने, आसान करने के लिए चीज़ों को। नाउ नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेसेस आर द बेसिस ऑफ हेल्थ। देखो WHO क्या कहता है, WHO कहता है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease and infirmity. This is the definition of health according to World Health Organization. ठीक है, now अगर हम इस definition को biochemical point of view से देखें तो health को हम लोग कुछ इस तरीके से define करेंगे। कैसे? Health may be considered that situation in which all of the many thousand of the intra and extracellular reaction that occur in our body are proceeding at rate commensurate with the organism maximum survival in the physiological state. मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेट में कोई भी एक फिजियोलॉजिकल काम करने के लिए, कोई भी एक फंक्शन करने के लिए जो उसके पीछे बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, अगर वो बायोकेमिकल इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलर वो दीज रिएक्शन जब ये बॉडी के अंदर एक सही, एक ऑप्टिमम रेट पे जब चलेंगी, तब ऑर्गेनिज्म एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर शो कर पाएगा। कहने का मतलब ये है ना, मोस्ट एंड परहैप्स ऑल द डिजीज हैव अ बायोकेमिकल बेसिस, है ना। मोस्ट अगर सारी नहीं तो जो मोस्टली डिजीज है, दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज इन मॉलिक्यूल, मतलब जो दिखे, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में कोई अंदर चेंज आया है, म्यूटेशन हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन में, बायोकेमिकल प्रोसेस में जो बॉडी के अंदर चल रही है, अगर उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है तो वो हमें कैसे दिखेगा, हमें बाहर फिजियोलॉजी में दिखेगा, नॉर्मल जो हम बाहर एबनॉर्मेलिटीज जो हम डिजीज की फॉर्म में देखेंगे वहां दिखाई देगा। सो दीज आर द डिजीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शंस एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे अगर बॉडी में ATP नहीं बन रहा है तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, वो हमें दिखाई देंगी, समझ रहे हो। मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिस्टेड बिलो। ये क्या क्या है मेजर कॉजेज ऑफ डिजीज, क्या क्या होता है? फिजिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिक एजेंट्स, फिजियोलॉजिकल। फिजिकल एजेंट्स में क्या आ गया भाई, कोई मैकेनिकल ट्रॉमा, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाएगा बंदा बीमार हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर में सडन चेंज, इलेक्ट्रिक शॉक, रेडिएशन। केमिकल एजेंट्स में जैसे ड्रग्स वगैरह हो जाता है, टॉक्सिक थिंग्स, थेरोपेटिक ड्रग्स ऑल्सो इन अ हाई अमाउंट। बायोलॉजिकल एजेंट्स वायरस वगैरह, ऑक्सीजन की लेक की वजह से बीमार हो जाता है आदमी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉन्जेनाइटल एंड मॉलिक्यूलर, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जैसे एनाफेलेक्सिस, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, है ना। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो सपोज कैल्शियम है ये इतने अमाउंट में लेना चाहिए, पोटेशियम इतने अमाउंट में लेना चाहिए, अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ें अराइज होंगी, अगर इसकी कमी हो गई, अगर टॉक्सिसिटी हुई, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन और जो लाइक प्रिवेंटिव मेडिसिन है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस की वजह से, हार्मोनल डेफिशिएंसीज वजह से, हार्मोनल एक्सेस की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ देम अफेक्ट वन और मोर क्रिटिकल केमिकल रिएक्शंस और मॉलिक्यूल इन द बॉडी। मोस्ट ऑफ दीज कंडीशन बायोकेमिकल स्टडीज कॉन्ट्रीब्यूट टू बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नाउ बायोकेमिकल रिसर्च का जो इम्पैक्ट होता है ऑन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, देखिए जैसे एक ऑप्टिमम हेल्थ मेंटेन करने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट में डाइटरी इंटेक करना पड़ता है न्यूट्रिशंस का,
विटामिन्स का, ठीक है, विटामिन्स का, अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का, बहुत सारे मिनरल्स का, वाटर का, अगर इसके अंदर और इस इन सब चीज़ों के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर इनकी वजह से, इनके ज़्यादा या कम होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, वो फिर डायरेक्टली रिलेटेड होंगी बायोकेमिस्ट्री से, बिकॉज मच ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दीज केमिकल, देर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू साइंसेस. Moreover, more emphasis is being placed on systematic attempts to maintain health and forestall disease, that is on preventive medicine. Thus, मतलब preventive medicine like हम लोगों का आएगा subject, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होता है, but ये चीज़ है कि जैसे suppose हम पहले से लोगों को बता के रखें कि भाई इतना iron लेना है वरना तुम्हें iron deficiency हो जाएगी, तो इतना iron लेना है, iron क्या करता है body में, कौन सी reactions में involved होता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, biochemistry. So, अब इतना चीखने चिल्लाने के बाद तुम्हें एक चीज तो समझ आ गई होगी, भाई बायोकेमिस्ट्री तो पढ़नी बहुत जरूरी है, बायोकेमिस्ट्री तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. हाँ बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ अच्छे से इसी तरीके से. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल.